आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरें अब आपके सामने प्रस्तुत हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे परिवार के लोग हमारे पास आ गए, वे अपना धर्म बचाने के लिए अपने मूल देश आए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के आने के बाद नागरिकता पाने वाले सभी लोगों का वे स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ा काम किया था और मध्य प्रदेश के अंदर मैं इनका स्वागत करूंगा। इनके जैसे और भी जो लोग आएंगे उन सबका भी स्वागत करेंगे और ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दो भविष्य की नई पीढ़ियां हमारे बीच में से अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा बन रही है और एक बांग्लादेश का मूल परिवार माना गया, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ जैसे मैंने कहा कि 47 के पहले वाला हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए, आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और शासन के माध्यम से शासन के किसी भी विभाग की कोई भी ज़रूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, शासन आपकी पूरी मदद करेगा और आप मध्य प्रदेश का हिस्सा बन करके गर्व का मौका हासिल करें। ऐसे मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी बधाई देता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा हरित महोत्सव भोपाल का शुभारंभ किया गया। विश्व MSME दिवस पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री चेतन कश्यप ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना का संचालन कार्य महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा जाए। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मिशन के अंतर्गत बनी संरचनाओं को के दीर्घकालिक संचालन के लिए ग्राम स्तर पर भूजल भंडारण की क्षमता बढ़ाने की गतिविधियां चलाना आवश्यक है, इसके लिए ग्राम स्तर पर जन जागृति अभियान चलाकर जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा ये बात कही गई। विश्व MSME दिवस पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप का संदेश। आज विश्व MSME डे है और सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमी भारत का परंपरागत क्षेत्र है। जब भारत दुनिया के अंदर व्यापार में सिरमौर था तब इसी क्षेत्र के उत्पाद हथकरघा से लेकर के बड़े विपणन तक के उत्पादों के माध्यम से भारत दुनिया का बहुत बड़ा निर्यातक देश था। MSME के प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश के अंदर कई योजनाओं का निर्माण करा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में MSME नई क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है तथा मध्य प्रदेश में भी हमने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में MSME के प्रोत्साहन हेतु कई नीतियों का निर्माण करा है और MSME के माध्यम से युवाओं के रोजगार के नए अवसरों को हम लगातार तलाश रहे हैं और मध्य प्रदेश में हमने इस वर्ष करीब करीब 18 से 20 नए औद्योगिक क्षेत्र व क्लस्टर सिर्फ MSME को समर्पित करते हुए बनाने का निर्णय करा है। वह मध्य प्रदेश की जो 40% की अनुदान की राशि है देश के समस्त राज्यों में यह हाईएस्ट है और यह आज का दिवस MSME के रूप में जो मनाया जा रहा है, मैं MSME के हमारे उद्यमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे अपने योगदान से देश में रोजगार सृजन और देश के उत्पादन व GDP की वृद्धि कर देश के आर्थिक विकास को और प्रधानमंत्री जी के सपने को जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा अनेक बैठकों का आयोजन किया गया, उनके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए।
मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि उनके परिवार के लोग जो जिन लोगों को नागरिकता प्रदान की गई उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके परिवार के लोग उनके पास आ गए हैं, वे अपने धर्म बचाने के लिए मूल देश में आए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद नागरिकता जो भी लेंगे उनका उन्होंने कहा स्वागत किया जाएगा। विश्व MSME दिवस पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चेतन कश्यप ने मंत्रालय में सागर, बैतूल, बुरहानपुर जिले के क्लस्टरों की समीक्षा के दौरान कहा कि उद्योगों को प्रोत्साहित करना अहम है। नशा मुक्ति के लिए भोपाल में जन जागरूकता रथ 28 जून को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। सामाजिक न्याय दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के द्वारा इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की गई। शराब के नशे में स्कूल पहुंचने और अभद्र व्यवहार करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। यह मामला सागर जिले का है। सागर जिले की प्राथमिक शाला जमुनापुर परासिया देवरी सागर में पदस्थ शिक्षक रामलाल अहिरवार शराब के नशे में स्कूल पहुंचे और छात्र छात्राओं और अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन के द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया है। सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री चेतन कश्यप ने MSME दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। वर्षा ऋतु में वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान, जू में शाकाहारी प्राणी सफारी बंद रहेगी। संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल ने बताया कि वर्षा ऋतु में शाकाहारी वन्य प्राणी सफारी 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए पर्यटकों के लिए से बंद रखा जाएगा। सामाजिक वानिकी द्वारा हरित चलित वाहन से पौधे प्रदाय करने की व्यवस्थाएं की गई हैं। सामाजिक वानिकी व्रत भोपाल के द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मानसून सीजन में भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आम जनमानस को पौधारोपण के लिए हरित चलित वाहन द्वारा भोपाल शहर और शहर से लगे चिन्हित स्थानों पर पौधों का विक्रय किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने उमरिया में किया वन चेतना केंद्र का निरीक्षण। उनके द्वारा इसका निरीक्षण औचक तौर पर किया गया और उन्होंने इस अवसर पर दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। प्रदेश में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा 11 अगस्त को 2023 से प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जो बच्चे के स्कूल में प्रवेश आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के लिए आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण पत्र जन्म स्थान एवं जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज माना जाएगा। संशोधन अधिनियम के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार तथा मध्य प्रदेश के मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशन में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नवीन पोर्टल विकसित किया गया। इस पोर्टल से सीधे आम जन ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र अपने ईमेल पर प्राप्त कर सकेंगे। ये पोर्टल यूज़र फ्रेंडली और बहुत सरल है। पोर्टल पर आवेदक द्वारा दिया गया डाटा पूरी तरह सुरक्षित ही रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य खबरों में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण नीति ऐसी है जो दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा बने। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के द्वारा ये बातें कही गई। निर्मला भूरिया के द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ महिला एवं बाल विकास सशक्तिकरण के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन शुभारंभ किया गया भोपाल में। आइए हम आपको सुनाते हैं कि निर्मला भूरिया के द्वारा इस अवसर पर संबोधित करते हुए क्या कहा गया। सभी विभागों से आए हुए अधिकारी मिले, काफी कुछ मेरे से पूर्व
चर्चा हुई कि हमारे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि ये हमारा भारत का हृदय स्थल है और मुझे लगता है कि जो भी हम यहाँ पे काम करेंगे और खासकर उस वर्ग के लिए जिसे हम कह सकते हैं कि आधी आबादी है, उसके लिए नीति बनाने का काम और सभी हम जो यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लगता है अधिकतर जो विभाग जो हमसे संबंधित हैं वो सभी का हमारा ये काम रहता है कि हम ऐसे वर्ग के लिए काम करें या नीति बनाए जिसे आधी आबादी हम लोग कहते हैं। हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम इस आबादी को कैसे सशक्त करें, इनके लिए कैसे काम कर सकें, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। मुझे विश्वास है आप सभी लोगों के ऊपर और इसी विश्वास के कारण मैं कहती हूँ कि हम अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। मैं सभी आमंत्रितों को और सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। प्रदेश की बेटियों बहनों का स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षण, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उन्हें आगे बढ़ा सकें। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, बच्चियां आगे पढ़ने के लिए आ रही है क्योंकि हमारे सरकार ने बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने का काम किया है और उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। महिलाएं आगे आई हैं और विकास की धारा में शामिल हुई है महिलाएं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक सशक्त और समावेशी नीति तैयार होगी और इस कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश के मंत्री चैतन्य कश्यप ने सागर और बैतूल के उद्यमियों से चर्चा की। मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी भोपाल में की। आकाशीय बिजली से संभावित दुर्घटनाओं से स्वयं को बचाने की अपील की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।